Mr. Wills, the poultry farm owner keeps the chickens for exactly 2 months before selling one and two. At the beginning of month one, he divided all the chickens in five categories: C1, C2, C3, C4, C5, जो यहाँ पे दिख रही है. It is known that in each of the five categories, the number of hens exceeded number of roosters by at least 30 degree. ठीक है. At the beginning of second month, he further divided each of the five categories into two categories, one with all the roosters from the category and one with all the hens, such that there will be 10 categories in all. Category 1 से 10 कोई ऑर्डर में नहीं है. ऑल द चिकन इन अबव कैटेगरी वर केप्ट इन फार्म फॉर एग्जैक्टली 2 months. बढ़िया. क्वेश्चन कौन कौन समझ गया जल्दी बताओ. देखो मैं समझाता हूं, चाहिए नहीं आया सर समझ। मैं समझाता हूं. एक पोल्ट्री फार्म ओनर है, वो क्या करता है, चिकन्स होते हैं ना जो, उनको पांच कैटेगरी में डिवाइड करता है पहले महीने में: C1, C2, C3, C4, C5. ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है? C1 में उसने दिए 22%, सही बात, जो भी वापस टोटल बता चिकन. दोगे क्या? नेटवर्क इशू हो गया मैं वापस बताना चाहूंगा, एक फार्म ओनर है तो उसके पास चिकन से. अब चिकन जो है ना, वो दो तरीके के हो सकते हैं. चिकन दो तरीके के हो सकते हैं, हेन या रूस्टर. ठीक है, तो वो क्या करता है, पहले महीने में इन सबको पांच कैटेगरी में डिवाइड करता है. ये 20%, 18% और 17%. अब ये पहले जो मंथ है वो परसेंटेज में दे रखा है. अब उसके बाद क्या करता है ये, जैसे जो 22% है कैटेगरी वन के, इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता है. कौन कौन सी दो कैटेगरी, हेन और रूस्टर. इनको हाँ अलग अलग कर देता है वो. समझ में आ रहा है? तो मैं कॉमन वो बना देता हूं, हेन और रूस्टर. ये सबने ही किया होगा क्योंकि. हाँ तो बोलो, हाँ सर। बहुत ही बढ़िया. अच्छा यार एक बार बताओ, टोटल कितने चिकन्स थे? हाँ अरे बेटा, ये सारा टोटल कर लो, मंथ वन में जितने थे सर तो उतने मंथ मन टू में टूट उतने, गए थे। बड़े या कम तो नहीं हुए, बस उनको अलग अलग कर दिया है, टोटल उतना ही रहेगा. ये तो क्यूमुलेटिव दे रखा होगा ना। हाँ मतलब मन टू का कैसे सिमिलर है सर मंथ वन से? मतलब समझ नहीं पा रहा आपकी क्वेश्चन, एक एक करके बोलो. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड में चार्जर कनेक्ट कर लेता हूं. अब आपके क्वेश्चंस पूछिए. सर आ आवाज गया नहीं आ रहा समझ। भाई. कुल मिला के चिकन्स जो है पहले मंथ में तो परसेंटेज के टर्म में दे रखे हैं, पर मंथ टू में तो टोटल नंबर दे रखा है. टोटल कितना हो रहा है जल्दी करो, 500, 500 500 हो रहा है. तो इसका मतलब कैटेगरी वन में कितने चिकन्स थे? हाँ 0%, 23%. कितना होता है 115, 20%? कितना होता है किसका, 100, ये 500 का निकाल रहे हैं, ये पूरा हो रहा है टोटल. एक अब इस 110 में बच्चों, कुछ तो आपके हेंस थे और कुछ रूस्टर्स रूस्टर्स थे. और एक कंडीशन है, नंबर ऑफ हेंस एक्सीडेड दैट ऑफ नंबर ऑफ रूस्टर। हेंस एक्सीडेड दैट ऑफ रूस्टर बाय एटलीस्ट 30%. ठीक बात है, मान लेते हैं. अब मैं क्या करूं, अब समझ नहीं आ रहा यार. एक काम करता हूं, किन दो नंबर्स को ऐड करने पर 110 बन रहा है, इस पे फोकस कर लूं क्या? जैसे 20 के साथ यदि मैं 110 बनाना चाहूं तो 90 कहीं नहीं मिल रहा, नहीं हो सकता है कि नहीं. 85 से हाँ 110 बनाना चाहूं तो 25, और मिल रहा है. तो क्या ये कॉम्बिनेशन 85-25 का हो सकता था क्या? हाँ या ना बोलो. सर हो सकता था, पर जरूरी थोड़ी है.
हाँ और भी केसेस हैं फोर्टी का हो सकता था क्या? 40 या 70? नहीं यार, 70 का ही नहीं मिल रहा। सेवेंटी सर। फाइव सॉरी थर्टी फाइव हाँ, बोलो बोलो बेटा, क्या डाउट है? तो मेरे को समझ नहीं आ रही। 85 25 तो आपने 110 का बोल लिया है, बट इसमें ये 30% वाला आपने यूज किया क्या इस वाले में अभी तक? बेटा एक बार दोबारा बोलोगे क्या? मैं समझ नहीं पाया। सर ये जो एटलीस्ट 30% टूस्टर्स वाला है वो आपने इस वाले में यूज किया है क्या अभी अभी तक मैंने नहीं किया, तक? अच्छा अभी सिर्फ हम इसका सम निकाल रहे हैं कि अभी तो कौन। केवल सम देख रहे हैं किससे बैठ सकता ओके सर ओके है ना। तो 40 से नहीं बैठ पा रहा, ये इससे नहीं बैठ पा रहा था, ये वाला अपन ने निकाल लिया था एक। 75 यदि मैं लेता हूं बच्चों, तो 35 से बैठ जाएगा 35। ये? 75 हाँ 35 का बैठ फिफ्टी सकता है, ठीक बात है। और कुछ बैठ सिक्सटी सकता है क्या? फिफ्टी 50 से बैठ, सिक्सटी बैंकर बैथ रहा है। थर्टी पर एट्टी ये 60-50 वाला कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो थर्टी जाएगा? कम परसेंट एटलीस्ट से कम थर्टी 30% से फिफ्टी ज्यादा हाँ होना चाहिए था ना, हाँ तो ये नहीं बैठ पाएगा 50-60 वाला। और 30 80 यार 30-80 भी बैठ एटी जाएगा, सेवेंटी ये तो बहुत सारे केसेस बिठवा दिए। कोई बात नहीं बच्चों, अब देखना कैसे एलिमिनेट करेंगे अपन। ये समझ में आया अभी तक? यस सर yes, यस इसी तरह सर मेरे को 115 के कॉम्बिनेशन बता दो, जल्दी से बोल दो। सर 85 30। 20 का कुछ हो सकता है? 95 नहीं हो सकता। 85 का जल्दी बोलो थर्टी और बोलो। थर्टी 40 का? नहीं है। अच्छा 75 नहीं होगा क्या? हाँ 75 है सॉरी। 75 हाँ होगा। 25 का नहीं होगा? 75 का 40 है क्या कोई? हाँ लिख लिया था बोल बंदे। 50 दिया हाँ का? 35 भी है। सर 80 35। और बोलो जल्दी बोलो, बस इतने ही यार बस यही है। बस 100 सर बना दो, जल्दी बना दो। 20 80 सिक्सटी हाँ फोर्टी और 85 वाला? 85 वाला सिक्सटी बैठेगा? नहीं फोर्टी बैठेगा। 40 40 75 60 ट्वेंटी 40 फाइव का प्लस बैठेगा, 60 40 और 75 25 75 का फॉर ट्वेंटी बैठेगा, फाइव और 50 50 का बैठेगा? नहीं 30 70 का ले चुके हैं। 30 70 सॉरी 70 है क्या बच्चों अवेलेबल? नहीं है। 35 नहीं है नहीं है 65 नहीं है। नहीं 80 है 20 ले चुका हूँ, ले 60 लिया 40 ले ले चुका हूँ, ये चुके बैठ हैं गए। हाँ 90 के बिठाओ, जल्दी बिठाओ 90 के। 60 30 40 50 40 40 50 50 60 30 40 फिफ्टी 50 फोर्टी देखो 50 40 वैसे बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो 30% का डिफरेंस होना थर्टी चाहिए ना फिफ्टी कम से कम, तो हाँ ये हटा देता हूं। और इसके अलावा बोलो 90, इसके अलावा कुछ है? 90 नो सर 20 का 70 नहीं हो सकता, 85 का 5 नहीं हो सकता, 40 का 50? अरे क्या नो सर, अच्छा वो तो मैंने हटाया सॉरी। 25 का कितने से होगा सिक्सटी बच्चों? 65 से नहीं मिल रहा, 75 नहीं मिल रहा, फाइव 50 40 का हटा दिया था, नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। 30 60 अवेलेबल नहीं है, 30 60 लिख चुके हैं अपन, मतलब 35 55 है नहीं, और कुछ नहीं बन रहा, तो इसका हाँ तो पक्का है। हाँ सर और मेरे को लास्ट 85 को और बता दो, फिर आपको खुद को मजा तो आएगा फिर इधर। सिक्सटी और ट्वेंटी C1 फाइव और C2 में सिक्स केस खट जाएंगे ना। हाँ 100% हटेंगे बेटा, आप देखना धमाके से सॉल्व होगा। 85 का बता दो, 50 और 25 20 से हो सकता है? नहीं 85 नहीं हो सकता। 40 55 सॉरी 40 45 नहीं, 25 60। यस पर 60 यस सर कितने थे? एक ही था। हाँ वो तो आप यूज कर चुके हो, तो फिफ्टी ये नहीं ले रहे। 75 का? थर्टी नहीं फाइव 10 नहीं है, 50 35 बैठ 50 35। जाएगा, हाँ वही होगा यार बस। ये हो सकता है यार, 35 हाँ हो सकता एक है, ही क्या बैठ रहा दिक्कत है। है? और कुछ? नहीं डेफिनेटली 50 35 है। अब यदि ये आपने यूज कर लिए तो भैया 60 तो एक ही था, यहाँ क्यों यूज कर रहे हो? 60 तो एक ही था, हटा दिया यहाँ से। 30 हट जाएगा इस केस में। 30 कितने थे? एक ही थे, यहाँ कैसे यूज कर रहे हो भैया? 35 C2 में भी हटेगा, कितने थे? C2 में भी हट जाएगा, C2 में 35 भी 30 कितने थे? हटेगा, सी 30 वन में 85 85 25 फिक्स हो गया। 35 एक ही हटा दो, ये 85 25 भी बैठेगा। 85 तो यूज कर लिए, यहाँ कैसे ला रहे हो भैया? 35 तो यूज कर लिए, यहाँ कैसे ला रहे यहाँ पे हो? 70 या 40 सेवेंटी फाइव बैठे, फोर्टी बैठेगा, और यहाँ पर ये एटी 75 ट्वेंटी सर और एटी 80 20 ट्वेंटी एटी सॉरी ट्वेंटी सॉरी सॉरी 80, एटी और ये सेट ट्वेंटी खत्म हो गया बच्चों। हाँ सर क्या सर बोलते इसमें बस हो? लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी क्वेश्चन की। हाँ एग्जैक्टली और है कितना इजी है।